आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 5.10, यानी कि एलसीएम निकालना है हमें। यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक वैल्यू ये है और आपके पास दूसरी वैल्यू ये है, तो दोनों को बारी बारी सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो हम सॉल्यूशन लिखने के बाद पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2 वाई जेड। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास इन तीनों में से हमें माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी माइनस है, इसके अंदर भी माइनस है, इसके अंदर भी माइनस है, यानी कि साइन को कॉमन लिया, बाकी तमाम वैल्यू एज डालेंगे। तो ये जो पहली वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ये एज जाएगा, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के फौरन बाद मुझे लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। अब माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 वाई जेड। उसके बाद आपके पास ये वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा। इसमें जो है आप अरेंजमेंट कर लेंगे, यानी कि वाई स्क्वायर फिर आप लिखेंगे प्लस 2 वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर सॉरी। तो अब यहाँ पे जो है आपके पास एक फॉर्मूला हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर का। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि फॉर्मूला आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ए बराबर हो जाएगा वाई के, ए बराबर हो जाएगा वाई के, बी बराबर हो जाएगा जेड के, और बी बराबर हो जाएगा जेड के। तो यहाँ पे भी आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए बराबर होगा वाई के प्लस फॉर्मूले का, बी बराबर होगा जेड के और होल स्क्वायर। ये वाला जो एक्स स्क्वायर है माइनस, ये एज इट इज आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज उतारा मैंने, और ए की जगह मैंने लिखा है यहाँ पे वाई फॉर्मूले का प्लस बी की जगह लिखेंगे हम जेड का होल स्क्वायर। उसके बाद जो है यहाँ पे सेकेंड सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी, जो कि बराबर होती है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो लगा देते हैं हम यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब की बार जो इसमें हम लोग ए लेंगे वो लेंगे हम एक्स के बराबर, तो हमने यहाँ पे ए की जगह ले लिया एक्स के, ए बराबर एक्स के, और हम बी बराबर लेंगे वाई प्लस जेड के। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ए माइनस और ये आपके पास बी, और फिर एक ए प्लस और ये फिर बी। ए की जगह जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे क्या कहते हैं आपका एक्स, और बी की जगह क्या आएगा ब्रैकेट में लिखेंगे हम वाई वाई प्लस जेड। उसके बाद यहाँ पे भी हम ए की जगह लिखेंगे एक्स और बी की जगह हम लिखेंगे वाई प्लस जेड का ब्रैकेट। उसके बाद एक स्टेप और हो सकता है इसके अंदर कि ये जो आपके पास एक्स बाहर माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है अंदर वाली वैल्यू से, एक्स एज इट इज आ जाएगा आपके पास, माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस जेड एक आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि बाहर प्लस है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये जो आपने सॉल्व कर लिया है, ये आपने इसको सॉल्व कर लिया है पहली वाली वैल्यू का। अब आपके पास दूसरी वाली वैल्यू, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी वाली वैल्यू में आपके पास दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। अच्छा, एक और वैल्यू भी दी हुई होगी इसके अंदर 2xz, आई थिंक एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर भी दिया हुआ है, वो जेड स्क्वायर जो है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपके पास। अच्छा, उसके बाद दोबारा जो है इसमें हम वही करेंगे जो हमने यहाँ पे काम करा था, कि हमने शुरू की आखिर की तीन वैल्यूज में कॉमन लिया था माइनस को, वाई स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2xz माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद जो है इसमें वही दोबारा फार्मूला लगेगा, सेम टू सेम वही वैल्यू आ गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला मैं यहाँ पर पुट करता हूँ दोबारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब की बार ए आपके पास बराबर है एक्स के और बी बराबर है आपके पास जेड के, तो ये वाला वाई स्क्वायर तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब मैं ए की जगह लिखूंगा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। उसके बाद दोबारा दूसरा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब आपके पास ए जो बराबर है वो बराबर आपके पास वाई के, और बी बराबर है आपके पास एक्स प्लस जेड के, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा ए प्लस सॉरी ए माइनस बी, और फिर दूसरे में आएगा आपके पास ए प्लस बी। अच्छा, ए की जगह आ जाएगा वाई और बी की जगह आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस जेड। इसी तरीके से यहाँ पे ए की जगह वाई प्लस फॉर्मूले का और बी की जगह एक्स प्लस जेड।
उसके बाद जो है आपके पास सिंप्लीफिकेशन होगी, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस जेड, और दूसरे में बचेगा आपके पास या तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं अरेंज करके, यानी कि पहले एक्स आता है फिर वाई आता है फिर जेड लिखता है, या फिर पहले वाई एक स्टेप बढ़ा ही ले लेते हैं, चले वाई प्लस एक्स प्लस जेड। अब अगले स्टेप में जो है हम इसको अरेंज कर देते हैं, ये एज आ जाएगा क्योंकि इसमें माइनस है, यहाँ पे जो है ये अरेंज हो सकता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आपके पास एक टर्म ये बन रही है और एक टर्म आपके पास ये बन रही है। अब इन दोनों में मुझे एलसीएम निकालना है, इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीकेकार ये होगा कि आपके पास पहले तो हमें इसमें ये चेक करना है कि कॉमन क्या है, तो ये कॉमन है आपके पास और आपके पास ये कॉमन है, तो पहले तो ये लिख लेंगे हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब जो चीज़ कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगी आपके पास, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये भी आएगा, और दूसरा आपके पास वाई माइनस एक्स माइनस जेड। तो ये इसका जो है एलसीएम है और ये इसका आंसर है।